व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है आपकी फेवरेट कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर। कल सुबह में खबर आती है कि राजू श्रीवास्तव को होश आया है, जिसके बाद उनके फैंस यहां पर और भी ज्यादा दुआएं करने लगते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। लगातार हमारे कमेंट सेक्शन भी इन्हीं सारी चीजों से भरे हुए थे। लेकिन अब उसके बाद एक जानकारी सामने आई कि उनके भतीजे ने कहा कि नहीं, ये सारी अफवाह है, उन्हें होश नहीं आया था। लेकिन फिर भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे इस खबर को चलाया गया था कि उन्हें होश आया। महज 5 सेकंड के लिए उन्होंने इधर उधर देखा और अपनी पत्नी को देख कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये 4 शब्द उन्होंने कहे, उसके बाद वो वापस बेहोश हो गए। इस तरीके की जानकारी सामने आई। लेकिन अब आपको बता दें कि उनकी बेटी अंतरा का क्या कहना है। उनकी बेटी अंतरा का कहना है कि हॉस्पिटल की तरफ से या हमारे खुद के अकाउंट की तरफ से अगर कोई भी जानकारी आप तक पहुंचती है तो वही सच है। आप बाकी किसी भी खबर पर, बाकी किसी भी जानकारी पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने वाला काम किया जा रहा है मेरे पिता राजू श्रीवास्तव को लेकर। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। अब आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट पोस्ट भी डाला है, जिसमें वो राजू श्रीवास्तव अपने पिता के लिए काफ़ी कुछ लिखती हुई नजर आई है। बता दें कि अंतरा ने कहा है कि मेरे सभी वेलविशर्स को, मेरे पिताश्री राजू श्रीवास्तव की हालत काफ़ी स्थिर है, यानी कि काफ़ी बेहतर है और जल्द ही वो पूरी तरीके से ठीक होकर हमारे बीच में आएंगे। धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जो बयान आए हैं उन पर ही भरोसा किया जाए, बाकी किसी पर भरोसा ना किया जाए। लेकिन जब उनके होश में आने की बात की गई तो उसके बाद तो यहाँ पर पूरे ही दुनिया के फैंस, यानी कि पूरे ही जो लोग उनके लिए महामृत्युंजय का जाप करे थे, जो लोग लगातार पूजा अनुष्ठान करे थे, वो लगातार खुश नजर आ रहे थे कि फाइनली कुछ तो रिस्पॉन्स आया हमारी दुआओं का, राजू श्रीवास्तव फिर से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की दुआएं यहाँ पर अब रुक नहीं रही है। अब दिमाग तक भी उनके ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, उनकी बॉडी पूरी तरीके से मूवमेंट कर रही है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि राजू श्रीवास्तव एक बार फिर से जल्द ही अपनी हंसी ठिठोली की दुकान लेकर हमारे बीच में जरूर मौजूद होंगे, हमें मुस्कुराने और गुदगुदाने के लिए। अब आपका क्या कहना है कि क्या बेटी अंतरा ने सही कहा? और हम भी आपसे कहेंगे कि किसी भी फालतू की अफवाह या खबर पर यकीन ना करें, राजू श्रीवास्तव पूरी तरीके से ठीक है। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।